खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो दिस इज़ द वन ऑफ द फाइनल वीडियोस वी ट्राइंग टू मेक सो दैट सारे बच्चों को समझ आ जाए कि क्रैश कोर्स कितना अटेंड करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स एंड योर सेल्फ। तुहाडे पेरेंट्स वास्ते बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरमत क्रैश कोर्स कोई बच्चों का कोर्स नहीं है, ये एक संगत का प्रोग्राम है जो तुम सारे अपने परिवार के समेत बैठ के टीवी पर देख सकते हो। तो सब तो इंपॉर्टेंट गल है कि क्रैश कोर्स टाइम पर तुम अपने लैपटॉप में अपने डिवाइस में HDMI मिनी HDMI केबल के नाल टीवी ना कनेक्ट करो ताकि टीवी के वधिया स्पीकर से तुम क्रैश कोर्स अटेंड कर सको। बच्चा जड़ा है वो लैपटॉप पर बैठे, जिस तरह देख रहे हो, बच्चा लैपटॉप पर बैठे HDMI में तुम टीवी ना कनेक्ट करो तो पूरी फैमिली इतने सोफे पर बैठ के सिर टक के गुरु साहब का इतिहास और सिखा का इतिहास जोड़ा है साढ़े पुरातन सिखा का इतिहास श्रवण करो। गुरमत क्रैश कोर्स जितने तुम एक मौका दे रहा है बहुत सारे प्राइजेस जितने का, एक टोटली फ्री सेवा है तो तुम मौका भी मिलेगा। जोड़े परिवार कुछ तिल फुल डोनेशन पाना चाहते हैं वो भी मौका मिलेगा। यह संगती प्रोग्राम है, ये अंदर कोई भी सेवादार पेड नहीं है, सारे सेवादार अपने अपने काम कार करते हैं, सिर्फ सेवा कर रहे हैं। तो इस करके सेवादारा में तुम हेल्प करनी है। सब तो वही हेल्प यह है कि तुम इन वीडियोज़ में ध्यान देख के अपनी सेवा आप कर लेनी है। कुछ क पेरेंट्स बच्चे इदा कर रहे हैं कि वो इंस्ट्रक्शनस रीड नहीं कर रहे, पर वो जो उन्होंने कोई क्वेश्चन आता है चुप के ईमेल लिख रहे हैं या वार वार सेवादारा को घंटे दो घंटा टाइम ले रहे हैं। तुम इमेजिन करो कि साढ़े को 1300 बच्चे ने, तो असं हर बच्चे अगर अद्धा अद्धा घंटा भी देता तो असं तो क्रैश कोर्स लगा ही नहीं सकेंगे। सो इस करके अगर तुम पढ़े लिखे हो, अगर तुम पढ़े लिखे हो और अगर तुम रीड एंड राइट करना जानते हो, कंप्यूटर जानते हो, तो प्लीज़ साड़ी बेनती है सेवा च हिस्सा पाओ, अपनी सेवा आप करो, इन इंस्ट्रक्शन वीडियोज़ में ध्यान ना सुनो। नो कमिंग टू ये तुहाडा अरेंजमेंट असं रैकमेंड करते हैं, पर अगर कोई बच्चा कल्ला अपने रूम देख रहा दैट्स ऑलसो फाइन। अगर पेरेंट्स को टाइम ही नहीं है संगत करन दा दैट्स ऑलसो फाइन, पर हैगा फ्राइडे सैटरडे संडे है, कोविड का टाइम है, इदा तो हो नहीं सकता कि पेरेंट्स को टाइम नहीं है, तो आओ आप इकट्ठे मिलकर अपने गुरु इतिहास को सरवण करिए। उस तो बाद टाइमिंग का तुम्हें दस दिए 9 ते 10 2021, मैं कर देव 9 ते 10 2021 तुसी सारे जड़े ने इंडिया तो जो बच्चे आ रहे हैं वो 7:45 PM ते असी स्टार्ट करा, 7:30 ते तुसी आ जाना। 7:30 ते तुहानू नज़र आएगा कि द होस्ट हैज़ नॉट स्टार्टेड द मीटिंग, असी बहुत जल्दी मीटिंग स्टार्ट करांगे। सो यू विल हैव टू वेट। उस टाइम ते इन होवे कि तुसी फोन चुको, व्हाट्सएप ते टैक्स करना शुरू कर दो कि अजी ओपन नहीं होया, ओपन नहीं होया, ओपन नहीं होया। ओपन होएगा 7:30 to 7:45। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1000 बच्चे एंटर कर रहे हैं, 1000 स्क्रीन, 1300 तो लगे ज़्यादा बच्चा है, तो असी हौली हौली बैचेस में एंटर करांगे, एंटरिंग में टाइम लगेगा। सो जस्ट बेयर विद अस, और स्क्रीन तो जाना नहीं, खड़े रहना स्क्रीन के उत्ते। 9:15 बजे तुम्हें ब्रेक दी जाएगी जो इंडिया टाइम की है। कैनेडा के टाइम देखने लिए, UK का टाइम देखने लिए बच्चे जड़े ने वो वैबसाइट पर जा सकते हैं GGSSC.CA, उत्ते यू कैन क्लिक ऑन योर लोकल पोस्टर एंड सी योर टाइमिंग्स। मैं इंडिया का टाइम दस रहा क्योंकि काफ़ी बच्चे इंडिया तो जड़े ने नवें फस्ट टाइम आ रहे हैं क्रैश कोर्स से। सो 9:15 बजे इंडिया के टाइम के रात से तुम्हें 15 मिनट की ब्रेक मिलेगी। जो मैं 15 मिनट कह रहा तो इट हैज़ टू बी 15 मिनट, तुम 15 मिनट वापस आना है क्योंकि जे तुम लेट आए तुम कुछ मिस कर जाओगे, और तुम्हें मैं वादा करदा कि जो तुम मिस करोगे कुछ तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और स्टडी गाइड चो नहीं मिलना, वो तुम जो सुने होगा वो तो याद आना। इस करके 15 मिनट डिनर टाइम है, असं तुम्हें रिकमेंड करा उस दिन कि डिनर करना है, क्योंकि जिदा तुम मूवी तो जाते हो, मूवी तो इंजॉय करते हो। साड़ी कोशिश है कि गुरु इतिहास में भी एक थिएटर के लैवल पर लैके आने की। जो रियल में क्रैश कोर्स लगता है सात संगत जी, ये अंदर बहुत वधिया साउंड सिस्टम यूज होंगे गुरुद्वारा साहब के, और बहुत वधिया तरीके प्रजेंट किया जाता है। पर हूँ यह ताडा काम है अपने घर में इन वधिया तरीके सुनने का, अच्छे स्पीकर लगा के, अच्छा TV लगा के परिवार के नाल बैठ के सुनना। और याद रखना ये गुरु इतिहास है, कितने ना हो नंगे सिर बैठ के बेद भी कर रही हुई है तो सिर टक के रखना। 11:30 बजे तक समाप्ति हो जाएगी, मोस्टली जल्दी हो जाती समाप्ति, पर असी टाइम लिया क्योंकि इतिहास सुनाने, क्योंकि जो तुम 9:30 तक वापस आओगे सानू घंटा होर चाहिए। 11:45 तक शायद समाप्ति हो जाए, पर 11:30 लेटेस्ट तुम खत्म हो जाएगा। उस दिन फिर तुम चले जाओगे नैक्सट डे, फिर तो सेम टाइम पर आओगे 11 जुलाई यू विल कम एट 6 PM इंडिया टाइम, एंड 6 PM तो लैके 7 PM तक असं गेम्स खेडांगे।
जिंदे अंदर एक गेम है कौन बनेगा करोड़पति वर्ग की गेम है हु वॉन्ट्स टू बी अ सिखोनेर कौन बनेगा सिखोनेर और वो गेम के अंदर तुम सा खेड सकोगे। इस तो अलावा बहुत सारिया गेम्स होर भी होगियाँ जो तुम्हें भेजी जाएगियाँ एक अल एक वक्रा भीडियो तुम्हें भेजा जाएगा वो जब मैं हमने दसन की कोशिश कराँगा पर 9 PM इंडिया टाइम से ब्रेक होएगी फिर 9:15 PM यू विल लॉग बैक इन फिर तो इसे वीडियो चैट से तो तुम जो बच्चे 9 साल तो उत्ते ने 9 ईयरस एंड अबव उन्होंने लिए स्पीड एग्जाम से जाके तुम एग्जाम दोगे जोड़े बच्चे जो स्पीड एग्जाम से रजिस्टर्ड नहीं ने फिर तो रजिस्टर हो जाए ताकि वो उस दिन लॉग इन कर सकन। मैं एक और बेनती कर देव जिन्ना तुम्हें दसया जाएगा हूँ दसया जाएगा जो तो क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा वो बाद तुम सेवादार हैल्प नहीं कर सकेंगे। सो हूँ तुम अपने अपना 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 ख्याल रखना है हमने तैयारी करनी है। इस तो बाद नैक्सट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ा बाकी गलत तुम सेवादार दसेंगे तुम्हें वड़िया वड़िया चीज़ें दस दी है कैमरा तुम्हारा ऑन होना चाहिए है और कैमरे सामने तुम होने चाहिए हो जे ऑफ होएगा तुम सेवादार रूम चो निकाल देंगे फिर तुम एंटर नहीं कर सकोगे जिन्हें मर्जी तुम फोन करोगे वट्सएप मैसेज करोगे वी कैनॉट हैल्प यू पीरियड। संगत का डिसिप्लिन फॉलो करना है यही कि उत्थे खलो के तुसी गलां करन लगे कैमरे सामने या तुसी और खेडन लगे कुछ करन लगे सामने डिसिप्लिन फॉलो करना है अपना सिर टक के रखना है। एक गुरमत का इवेंट है भावें तुसी घर बैठे हो तुहाडे घर विच असी गुरुद्वारा मोबाइल लगे आ रहे हैं एंड लास्टली तुसी वेटिंग रूम चो रिमूव करते जाओगे अगर तुसी दूजियां नूं डिस्टर्ब करो। जदों तुसी जूम चाहोगे तुसी रजिस्टर्ड होने चाहिए हो और काफ़ी बच्चे ऑलरेडी एवरी वीक आकर रजिस्टर्ड हो चुके हैं अराउंड 750 डिवाइसिस रजिस्टर्ड ने पर कुछ 150 डिवाइसिस ने जोड़े अजे तक रजिस्टर्ड नहीं है तो वो 150 डिवाइसिस जोड़े ने उन्होंने रजिस्टर कर लेना चाहिए नहीं तो वो एंटर नहीं कर पाएंगे तो कोई होर रजिस्टर कर लेगा तो स्क्रीन खत्म हो जाएंगे सीटा खत्म हो जाएगी फिर तुम अंदर नहीं आ सकोगे। पर जो अंदर आते हो तुम अपना नाम चेंज करना है नाम कि चेंज करना है तुम zoom.us से जाके चेंज करना है zoom.us की वैबसाइट पर जाके अपना डिस्प्ले आई डी चेंज करना है। इस वास्ते इंस्ट्रक्शनल वीडियो सानू दिते गए ने वो सारे इंस्ट्रक्शनल वीडियोस अवेलेबल ने साड़ी वैबसाइट पर gurmatcrashcourse.com पर तुहानू मैं हुणे दिखाना वा वो वैबसाइट पर तुहाडे सारे वीडियो जिहड़े ने gurmatcrashcourse.com आपां जाणदे आ जदों गुरमत क्रैश कोर्स जाते हो तुसीं उत्ते हैल्प ते क्लिक करना थे तुसीं हैल्प ते क्लिक करोगे तो तुम सारे वीडियोस की जूम से कितना लॉगिन करना है स्पीड एग्जाम से कितना रजिस्टर करना है तुम अपना डिस्प्ले आई डी कितना चेंज करना है डिस्प्ले आई डी किस तरह होना चाहिए तुम्हारा डिस्प्ले आई डी जो होना चाहिए वो तुम्हारा पहला कंट्री कोड आएगा जिदा इन्हों का कैनेडा सी फॉर कैनेडा ओ फॉर ओंटेरियो स्टेट कोड तुम्हारा एम राष्ट्र आएगा तो एम आएगा डॉट तुम्हारा फस्ट नेम विद कौर एंड सिंह अगर तुम्हारा लास्ट नेम तुम सिख नहीं हो जो बच्चे सिख नहीं ने वो कोई लास्ट नेम नहीं लिखणगे खाली फस्ट नेम लिखणगे डॉट फिर तुम्हारा एज कोड आएगा अगर तुम अंडर 9 ईयर्स हो तो एज कोड 0 है अगर तुम 9 to 12 साल के हो तो एज कोड 1 है अगर तुम 13 to 19 साल के तो एज कोड 2 है अगर तुम 20 to 25 साल का एज कोड 3 है तो जो उस तो बाद उन्होंने एज करने की लड़ नहीं है पर उस तो बाद लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर फोन नंबर पाओगे ये पूरा इतने डिस्प्ले किया गया है यही चीज़ तुम इस प्रेजेंटेशन चु दिखाई जा रही है तो तुम इनू फॉलो करना है जोड़े बच्चे इस नॉमनक्लेचर के नाल आएंगे जूम के अंदर उन्होंने असी क्वेश्चन करा और ऑनलाइन ही क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और वर्बली भी साढ़े न कर सकते हैं उन्होंने प्राइजेस मिलेंगे बहुत सारे बच्चों 100 to 250 रुपए किसी 1000 रुपए जूम के सॉरी अमेजॉन के गिफ्ट कार्ड मिलेंगे तो इस करके ये पहला कर लेना हूँ जो उत्थे प्राइजेस मिलने लगे सारा होना कि हम सू भी मिलन फिर तुम कहना कि मैं तो अपना नाम नहीं लिखे कि लिखना तुम पुछोगे हूँ 6 घंटे के क्रैश कोर्स में असी एक बच्चे नहीं समझा सकते इस करके मैं फिर तो कह रहा हाँ अपनी सेवा आप कर लो हमने अपने आप को फिक्स कर लो अपने जूम पर जाके अपना आई डी फिक्स कर लो। लास्टली 3 दिन जरा बच्चों का तरह डिनर टाइम है इंडिया टाइम का इतने भी लंच टाइम है पर असी चाहवांगे बच्चे इंजॉय करन ये बच्चों की ट्रीट है जिदा गुरपुरब से जाके बच्चे इंजॉय करते हैं ये गुर जे गुरुआं दी साखियां ने अपने बाबाणियां कहानियां पूत सपूत करेन ये भी एक गुरपुरब है ये बच्चों तुम वधिया स्नैक्स दो ताकि उन्होंने लगे वो वाकई इन्नी मेहनत कर रहे हैं दिमाग लगा रहे हैं तो इस करके डे 1 ते मैं सजेस्ट करांगा पिज्जा ते कोई ड्रिंक होवे कोको कोला या जो भी तुहाडा लोकल ड्रिंक है थम्सअप है जो भी है डे 2 ते तुसी
आलू टिक्की बर्गर है ना, गुरुदेव वादर नगर वाले जो बॉम्बे वाले ने कुछ भी कर सकते हैं, उसे तो बड़ा कुछ अवेलेबल है। तो डे थ्री से तुम छोटे कप केक्स कर सकते हो एग्जाम तो पहला, ताकि बच्चों को मतलब थोड़ा हेल्दी रहन, तो जो एग्जाम देने लिए उन्होंने नींद भी ना आवे, पर क्लोज ब्रेक तो बाद बच्चों को नींद ना आवे। इतना हैवी खाना नहीं करना कभी भी, खाना लाइट रखना और स्नैक्स रखना। सो ये स्नैक्स का तुम्हें बेनती है, सो इस तरीके करना है। लास्टली तुम एक चीज़ दसी है कि गुरमत क्रैश कोर्स में गेम खिलाई जाएगी, वो गेम जी होगी तुम बोला जाएगा एक वैबसाइट पर जाने, वो वैबसाइट का ना है ccg.buzz। तुम उसे दसा जाएगा और तुम असं गेम कोड देवे, वो गेम कोड एंटर करके तुम एंटर कर सकते हो जो तुम दसागे गेम कोड, और जो तुम अंदर जाओगे तुम टीम नेम ऐड कर सकते हो और अपना नाम ऐड कर सकते हो। तुहाडा नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो अभी तुम्हें सिखाया है, ताकि असं तुम आइडेंटीफाई कर सकीए विद योर फुल फोन नंबर। और फिर तुम वो अंदर आंसर लिख के जो तो बस क्लिक करोगे सानू पता लग जाएगा कि बच्चे ने पहला आंसर किया, कि बच्चे ने बाद चो आंसर किया, ठीक है जी। सो ये भी तुम्हें सिखाया जाएगा, ये तुम ड्राई रन भी कराया जाएगा गे स्टार्टिंग जो तुम एंटर हो गए रूम चुनाव अभी पूछा तरह सिटी का नाम दसो तो तुम्हें क्वेश्चन पाया जाएगा और गेम कोड दिता जाएगा। सो ये भी याद रखना, तुसी दूजे स्क्रीन उत्ते ccg.bus से जाके कर सकोगे। सो इन्नी बेनती प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की